एक शख्स पहले हत्या करता है, फिर पुलिस वाला बन खाकी वर्दी का रौब दिखाता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जो 19 साल बाद खुलकर सामने आई है। ये तो वो हकीकत है जिसने उत्तराखंड के पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। ये रियल लाइफ में हुई जुर्म की वारदात की वो दास्तान है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज से करीब 23 साल पहले उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शख्स की हत्या हुई। अरसे से पुलिस इस केस को सुलझाने और आरोपी को दबोचने के न जाने कितने प्रयास करती रही, लेकिन केस सुलझा ही नहीं। जब धीरे धीरे केस की परतें खुली तो जो हकीकत सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए। इस हत्या के आरोपी ने कत्ल करने के बाद बड़े आराम से उत्तराखंड पुलिस में नौकरी हासिल कर ली। नौकरी के दौरान 19 साल तक अलग अलग जगहों पर उसकी पोस्टिंग भी होती रही। आरोपी का जीवन ऐसे ही बड़ी आसानी से चलता रहता अगर उसका एक करीबी इस बात की जानकारी पुलिस को ना देता। अब ये बरेली का रहने वाला था उत्तराखंड, यहाँ किसी को, यहाँ किसी कोर्ट में किसी थाने में नहीं था, तो वहाँ कोई उसका जो राइवल पार्टी है उसने अभी कोई लेटर भेजा, फिर हमने उसकी जांच करवाई, तब पता चला कि इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज है वहाँ पे। साल 2001 में मुकेश नाम का आरोपी शख्स उत्तराखंड पुलिस में भर्ती हुआ था। अल्मोड़ा पुलिस को इस बात की जानकारी मुकेश कुमार के किसी जानकार ने दी। जानकार ने बताया कि जो मुकेश अभी उत्तराखंड पुलिस की सेवा कर रहा है वो 1997 में बरेली से कत्ल कर भागा गुनहगार है। 97 में उसके खिलाफ मुकदमा हो चुका है बरेली में, बाद में उसमें सजा भी हुई है जिसके अगेंस्ट अपील चल रही है, तो अभी तक वो डिसाइड नहीं हुई। 23 साल हो गया केस को, अभी वो अपील डिसाइडेड नहीं है। किंतु जो इसने उत्तराखंड पुलिस से इसको छुपाया अपने खिलाफ, जो इसके खिलाफ जो हत्या का मुकदमा था, उसके 420 मानते हुए हमने उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर दिया। साल 1997 में किए गए उस गुनाह के लिए अदालत ने मुकेश को उम्र कैद की सजा सुनाई है और साथ ही धोखाधड़ी कर उत्तराखंड पुलिस में शामिल होने के खिलाफ फर्जीवाड़ा का मामला भी दर्ज किया है।